यूपी के टॉप 10 माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति, पत्नी के नाम खरीदा गया प्लाट हुआ कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत आपराधिक कृत्य से कमाई गई संपत्ति, पत्नी के नाम खरीदा गया प्लाट और भट्टा हुआ कुर्क। पूर्व विधायक सिपू सिंह हत्याकांड के आरोपी की आपराधिक कमाई से पत्नी के नाम खरीदा गया प्लाट को प्रशासन ने किया कुर्क। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अलियाबाग कटाई में जिलाधिकारी अमृत कुमार त्रिपाठी के आदेश पर यूपी के टॉप 10 माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की आपराधिक कमाई से पत्नी के नाम खरीदी गई जमीन को प्रशासन ने किया कुर्क, तहसीलदार को बनाया प्रशासक। जानकारी के अनुसार यूपी के टॉप 10 माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी संग्राम सिंह पुत्र राम रंग सिंह निवासी अलियाबाग कटाई विगत 10 वर्षों से आपराधिक कृत्य से संलिप्त होकर संपत्ति अर्जित की गई कमाई से अपनी पत्नी कंचन के नाम 24 जुलाई वर्ष 2019 में गाठा संख्या 14/26 बिस्वा का बैनामा करवाया गया। सर्किल रेट के अनुसार उक्त भूमि की कीमत प्रशासन ने 40 लाख रुपए आंकी। वहीं उक्त भूमि पर भट्टे का संचालन किया जा रहा है, जिसको प्रशासन ने सील कर दिया है। बृहस्पतिवार की शाम 3 बजे सगड़ी तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला, जीएनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने अलियाबाग कटाई निवासी कंचन सिंह के नाम से दिलसादपुर में स्थित उक्त भूमि पर गांजे बाजे के साथ गाँव में लाउडस्पीकर लगाकर संपत्ति को कुर्क करने की घोषणा की। वहीं उक्त भूमि पर सूचना बोर्ड चस्पा कराया गया। उक्त भूमि की राजस्व टीम ने पैमाइश कर प्रशासन की मौजूदगी में कुर्की आदेश चस्पा कराया गया। सगड़ी तहसील द्वारा अभिषेक कुमार सिंह को प्रशासक बनाया गया। वहीं सगड़ी तहसील द्वारा अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि उक्त भूमि पर स्थित भट्ठा व अन्य ईंट आदि सामग्री को कुर्क कर लिया गया है। अब बिना आदेश के किसी भी प्रकार की प्लाट पर कार्रवाई आपराधिक कृत्य मानी जाएगी। इस दौरान इमिलिया चौकी इंचार्ज विजय नारायण पांडे सहित दर्जनों की संख्या में पुलिस बल व ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं प्रशासन द्वारा घंटों की गई इस कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में जोरों शोरों से चर्चा होती रही। वहीं मौके पर मौजूद संग्राम सिंह के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमारी पैतृक संपत्ति होती है, लेकिन पूर्व विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर हमारी जमीन को कुर्क किया जा रहा है। वह मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर बार बार मेरे ऊपर मुकदमा FIR दर्ज होता रहता है, और आज जो मेरी जमीन को कुर्क किया जा रहा है, यह भी पूर्व विधायक के इशारे पर हो रहा है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह के साथ गैंगस्टर के सहअभियुक्त संग्राम सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, इस जमीन को आज 14 अप्रैल को जीएनपुर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। यह कार्रवाई थाना जीएनपुर पर पंजीकृत FIR 467/13-31 गैंगस्टर एक्ट के क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित कर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश प्राप्त करने के पश्चात की गई है। संगठित अपराध व माफिया तत्वों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, पिताजी का नाम श्री राम रंग सिंह है, हम अलियाबाद कटाई थाना जीएनपुर के निवासी हैं। मामला ये है कि राजनैतिक मामला है ये हम लोग जो है चुनाव में यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक जी के विरोध में थे, और ये ज़मीन हमने ग्राम दिलसादपुर के नागेंद्र सिंह रहने वाले हैं उनसे लिया था अपनी भाभी के नाम से, और पिताजी मेरे कॉन्ट्रैक्टर पेशे से थे, और उन्हीं के फर्म से उन्हीं के खाते से नागेंद्र सिंह विक्रेता के खाते में जितना भी धन दिया गया है उन्हीं के खाते से ट्रांसफ़र किया गया है। ये मूल रूप से मेरी ज़मीन जो है पैतृक संपत्ति में आती है, इसमें शासन और प्रशासन की से मिल करके राजनैतिक लोग और मेरे ज़मीन को कुर्क करवा रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। मैं इसके लिए, अगर ये कुर्क करके जा रहे हैं, मुझको नोटिस दिए हैं, मैं इसके लिए जा करके अगला दरवाज़ा ज़रूर कानून का खटखटाऊंगा। और इस तरह अक्सर लोग प्रताड़ित करते रहते हैं, पुलिस से मिल करके, प्रशासन से मिल करके, शासन से मिल करके, जितने ऊपर भी मेरे ऊपर मुकदमा लगा, मेरे भाई के ऊपर मुकदमा लगा, मेरे भाई का नाम संग्राम सिंह है, जितना भी मुकदमा लगा सब इन्हीं लोगों की देन है। कौन लोगों की, कौन है वो लोग? वो लोग स्थानीय पूर्व विधायक जी के जेठ हैं, उन्हीं की देन है, उनकी उनका प्रतिनिधित्व वही करते हैं, और गांव ग्राम जो भी लोग मेरे लोग उनके यहाँ अगर जाते हैं तो वो लोग कहते हैं सीधे सीधे कि आप उनके आदमी हैं, और यदि उनके आदमी हैं तो आप लोग भी मेरे विरोधी हैं। उनकी मंशा मेरे प्रति पता नहीं क्यों, क्या भगवान ने उनको बुद्धि दिया है, क्या मैं उनका विरोध किया हूँ,
जबकि आज के 10 साल पहले मैं से और पूर्व 50 साल तक मेरा उनका बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। किसके बकावे में आकर के क्यों आकर के ऐसा करते हैं ये तो मुझको नहीं मालूम। पुलिस को तो को कथनी और करने में फर्क है ना। पुलिस को जो बताया जाता है पुलिस उसी हिसाब से चलती है। पुलिस को सत्ता पक्ष के लोग जो बताते हैं, प्रभावशाली लोग बताते हैं, उसी हिसाब से चलती है। और पुलिस ने उठा करके इन्हीं लोगों के प्रभाव से ही आकर के पुलिस ने मुझको कुंटू गैंग से जोड़ दिया, जबकि कुंटू गैंग से जुड़ने का कोरा मेरा कोई औचित्य नहीं है। मेरा दूर दूर तक कुंटू से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कुंटू गैंग में ले आकर के ये लोग मुझको जोड़ दिए और जोड़ करके मुकदमा लगवा दिए। केवल कुंटू गैंग में मैं कागज में हूँ, पुलिस के कागज में हूँ, और इन्हीं लोगों की, इन्हीं राजनीतिक लोगों की देन है कि मैं कुंटू गैंग में जोड़ा गया हूँ। हम इससे बहुत दुखी थे, आहत हैं, जबकि मेरी ज़मीन है, यहाँ मेरी ज़मीन है। इस गाटा संख्या में 3 हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार की ज़मीन मैं लिखवाया हूँ। और ये ईंट भट्ठा जो है मेरे गांव के पड़ोसी, गांव के बगल में पनसब्दा गांव है, बाबू प्रमोद सिंह, उनका ईंट भट्ठा इस पर चलता है। इस ईंट भट्ठे से मुझको कोई लेना देना नहीं है, मेरी इसमें केवल ज़मीन है। जमीन से मेरा मतलब है, ईंट भट्ठा उनका चलता है, इसे ईंट भट्ठे से मुझे लेना देना कुछ नहीं है। इस कुर्क के बाद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं अपने तरफ से ज़मीन को छोड़ दे रहा हूँ। तो ये जमीन आपकी है? जमीन मेरी है, कुछ ज़मीन मेरी है, पूरी ज़मीन मेरी नहीं है। इसमें 1/3 मेरी है, बकिया 1/2 दूसरे लोगों की है। लेकिन अब वो प्रमोद सिंह जाने, भट्ठा मालिक जाने कि चलाएंगे, और दो लोग हिस्सेदार हैं वो चलवाएंगे कि नहीं। अगर चलता है कोई कार्रवाई होती तो इससे मैं दूर भी रहना चाहता हूँ। मैं पहले ही इसका अपने तरफ से हटा देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोई लांछन, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। अगर ये भट्ठा चलता है तो सब इशारे पर, सब पूर्व विधायक के जेठ और उनके प्रतिनिधि के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। मैं तो यहाँ से लेकर के न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, और यहाँ से लेकर के जितनी कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला अधिकारी के महोदय के यहाँ जाऊँगा, अपनी बात फरियाद रखूँगा। जबकि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जो विक्रेता के खाते में जो पैसा गया है, मेरे पिताजी के ने ही अपनी बहू के नाम से एक बैनामा करवाया है, रजिस्ट्री करवाया है, और अपनी अपने खाते से ही उनको खाते में पैसा दिया है। पिताजी पैसे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, और एक पैतृक संपत्ति में आती है, इसको अवैध तरीके से कुर किया जा रहा है।